हाँ अंकुर, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो? यस सर। तो ठीक है, पहला सवाल, एक कोशिकीय जीव है मनुष्य, युगलीना, केचुआ या छिपकली? मेरुलीना। मेरुदंड पाई जाती है केचुआ, तिलचट्टा, जोंक, मछली? मछली। अपुष्पी पौधा है आम, जामुन, फर्न, केला? फर्न। ठीक है, मूल रोम किस में पाए जाते हैं, तने में, जड़ में, पत्ती में या पुष्प में? तने में। अच्छा, सही गलत बताना है, मैं एक वाक्य पढ़ूंगा, आपको सही या गलत बोलना है उसको समझने के बाद। पहला, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है? सही। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है? सही। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है? गलत। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है? सही। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं? सही। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं? गलत। खरगोश अकशेरुकी है? गलत। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं? गलत। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं? सही। अब अंकुर, कुछ जगह भरने वाले सवाल हैं। पहला, भोजन से हमें कार्य करने के लिए खाली जगह मिलती है? ऊर्जा। ठीक है। दूसरा, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में डैश गैस बाहर निकालते हैं? CO2। ठीक है। कछुए का जीवन काल लगभग डैश वर्ष होता है? 120 से 150। ठीक। लाजवंती, लाजवंती मतलब छुईमुई, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति खाली जगह है? सर जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अगला सवाल, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डैश कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। पादप मिट्टी से, पादप मीन्स पौधे, पौधे मिट्टी से खाली जगह की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं? जड़। ठीक। शाबाश अंकुर, गुड।